नमस्कार दोस्तों, स्टार्स एंड फोल्डेड पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओम बिरला के बारे में, जो एक पॉलिटिशियन और एग्रीकल्चरिस्ट हैं। उनका जन्म 23 नवंबर 1962 को राजस्थान के कोटा शहर में हुआ था। उनके फादर श्री कृष्ण बिरला हैं और उनकी मदर शकुंतला देवी हैं। उनकी वाइफ अमिता बिरला हैं, जो कि एक डॉक्टर हैं। उनकी दो डॉटर्स भी हैं। वो एक वैश्य फैमिली को बिलोंग करते हैं। ओम बिरला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोटा के गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से की। इसके बाद उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। ओम बिरला को बचपन से ही पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट था। ओम बिरला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काफी समय से जुड़े हैं। वो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड के उपाध्यक्ष रहे हैं। बिरला जून 1992 से जून 1995 तक जयपुर स्थित कॉन्फेड के चेयरमैन थे। वो कई इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज के मेंबर भी रह चुके हैं। बिरला ने अपने शहर कोटा में कई एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम किए हैं, जिसमें कोटा सिटी में लगभग 1,00,000 पेड़ लगाने के लिए उनका ग्रीन कोटा अभियान काफी सुर्खियों में रहा। बिरला एक पॉलिटिशियन होने के अलावा समाज सेवक भी हैं। उन्होंने कई वेलफेयर कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से पूरे देश के रूरल एरियाज में स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना प्रमुख है। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट के शरिया ट्राइबल एरिया में कुपोषण को समाप्त करने में भी अपना अहम योगदान दिया है। साथ ही क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया। उनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्लियामेंट में 19 जून 2019 को लोकसभा के 17th स्पीकर के रूप में चुना। तो चलिए अब बात करते हैं ओम बिरला की हॉबीज के बारे में। उन्हें क्रिकेट देखना और संगीत सुनना बहुत पसंद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल स्टार्स एंड फोल्डेड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओम बिरला से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए स्टार्स अनफोल्डेड के लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।